सही कचौरी है। किस किस चीज की कचौरी है चाचा? दाल की कचौरी। सही, दाल की। और कौन सी कचौरी है? ये प्लेन होती है। ये प्लेन है, ये प्लेन कचौरी। इसका प्राइस कितना कितना है इनका? ये 15 रुपए, ये 20 रुपए। ये 15 रुपए की और ये 20 रुपए की। चाचा एक प्लेट हमारे लिए लगाओ कचौरी की। और इसके ऊपर से क्या डालते हो चाचा? इसमें सब्जी डलती है, आलू की। आलू की सब्जी? ये आलू की सब्जी है। ये दिखाओ जरा, आलू की सब्जी भी दिखाओ एक बार। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में आलू की सब्जी। लगाइए चाचा, लगाइए हमारी प्लेट लगाइए। सब्जी आ जाइए अभी। ये किस चीज का मसाला है? इसका मसाला होता है चाट मसाला। ये हरी वाली चटनी, ये मीठी वाली दही। अच्छा दही। तो गाइस हमारी कचौरी रेडी हो गई है अभी। तो वेलकम फूडीज, आज हम आपको लेके आए। हमारे को भैया दिखाई दिए सड़क पे। ये भैया के दिखते ही मेरे को स्कूल टाइम की अपने याद आ गई। भैया क्या नाम है आपका? सनी भैया। सनी भैया, सनी भैया की ये कितने टाइम से लगा रहे हैं आप ये सब? ये तो भैया बहुत टाइम से लगा रहे हैं। मैं स्कूल टाइम में खाता था अपने। जी भैया। तो हमें क्या खिला रहे हैं आज? मूली खाओ, गाजर। मूली लगा दो एक हमारे लिए। ये देखिए गाइस, ये स्कूल टाइम में बहुत फेमस थी ये चीजें, अब तो लुप्त होती जा रही है, सब मिलती भी नहीं है। सनी भैया वैसे कोई कहाँ खड़े होते हैं मेरठ में? आप किस जगह खड़े होते हैं? अगर कोई अगर आपसे आना चाहे आपसे खाने तो? दीवान पब्लिक स्कूल। दीवान पब्लिक स्कूल वेस्टर्न रोड पे ना? जी भैया। कितने रुपए की है ये? सर 5 रुपए। 5 रुपए की। और क्या क्या बनाते हो भैया? भैया गाजर है, फ्रूट चाट है। तो गाइस कभी भी अगर आप मेरठ आते हैं ना, तो दीवान पब्लिक स्कूल के पास भैया खड़े दिखाई देंगे आपको, इनसे मिलिएगा जरूर। और हरी वाली चटनी मत डालना, बस मीठी वाली डाल दो। पाऊ जी बताते हैं, पहले किसी जमाने में यहाँ भीड़ लगी रहती थी, मगर जो उधार लेके चले गए वो कभी उधार लौटा नहीं है। हाँ जी, पाऊ जी यही बात है। हाँ जी बिल्कुल यही बात है जी। तो गाइस ये अभी हमारा लच्छा पराठा रेडी हो रहा है। दो मिनट लगता है। आपको लेके आए हैं मेरठ की सबसे बेस्ट खस्ता कचौरी खिलाने के लिए। नाम है चेताराम खस्ता कचौरी और गुलाब जामुन। आइए भैया से बात करते हैं और खस्ता कचौरी ट्राई करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी कब से लगा रहे हैं भैया आप यहाँ पे? हो गए 8-1 साल। 8 साल हो गए। मैंने देखा था कल मैं आया था ना, तो बहुत भीड़ थी आपके स्टॉल पे, इसलिए मैं आ जाया हूँ आपके पास। तो भैया किस टाइम चालू करते हैं आप यहाँ पे? 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कचौरी खिलाइए हमारे को भी, खस्ता कचौरी। तो भाई बोली प्याज है, सब चलेगी साहब? हाँ जी सब चीज़ चलेगी। ये भैया की बहुत फेमस है यहाँ पे खस्ता कचौरी। ये आलू की सब्जी आप खुद ही बनाते हैं? जी खस्ता कचौरी खुद ही बनाते हैं सर, आलू की सब्जी भी खुद ही बनाते हैं जी। तो एक दिन में आपकी कितने खस्ता कचौरी बिक जाती है भैया? सर मैदा का हिसाब होता है, किलो और पीस का हिसाब तो होता नहीं। अच्छा पीस का हिसाब नहीं होता, फिर भी कितनी लगभग आपके हिसाब से अगर लेंगे तो? 10 किलो मैदा की तो बिक जाती है सर। बिक जाती है।
हरी मिर्च चलेगी सर? सब चीज चलेगी सब चीज। ये किस चीज का मसाला है? ये कचौरी का मसाला है सर। अच्छा, ये हमारी हरी मिर्च आ गई, एक और हरी मिर्च आ गई। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, एक बार भैया बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ सब्सक्राइब कर दें, फटाफट से कर दें। ठीक, कितने साल से बेच रहे हो आप ये फ्रूट चाट? मैं 40 साल से। 40 साल हो गए। क्या क्या कितने फ्रूट चाट क्या चलता है? जो सामान ये कमरे में जाती है। अच्छा, और अनानास मीठा डालना? मीठा भी डाल दो, सब डाल दो। बुआ बुआ नींबू बनाओ, जैसे बनाते वैसे बनाओ। Gracias.